गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए के बारे में समझेंगे। इस लेखक का नाम है यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका जन्म हुआ है सन 97 को और मृत्यु 1979 को। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया यानी कि उत्तर प्रदेश जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन में से 1950 तक यानी कि 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। उसने विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। उस पदे से उसको सम्मान दिया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह है उसके। बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्निर्वाण, चारु चंद्र लेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल। साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है। उसके बारे में बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका लेसन स्टार्ट होता है। ये सब था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो लेखक है उसका परिचय। अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यहाँ लेखक ऐसा कहते हैं कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है यानी कि उदास हो जाता है कि समाचार पत्र में ठगी यानी विश्वासघात, छेतरपिंडी, डकैती जो डाका डालते वो, चोरी, तस्करी, बेईमानी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं।
तो जितने ही ऊंचे पद है उतने ऊंचे अधिक उतने ही अधिक दोष ज़्यादा भूल दिखाई जाती है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। और इसमें क्या मिस्टेक है, उसमें क्या भूल है, वही सिर्फ देखेंगे। क्या अच्छा गुण है वह नहीं देखेंगे। दोष किस में नहीं होते, सभी में होते हैं दोष। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है और गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। सभी आदमी दुनिया में दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, यानी कि उसमें भूल ज़्यादा ढूंढते हैं लोग, और अच्छे गुण हैं वह बिल्कुल नहीं ढूंढते। इस स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ लेखक ऐसा कहना चाहते हैं। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? क्या यही भारत देश है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। आर्य और द्रविड, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया है? मेरा मन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। ये हमारे ये जितने भी नेता हो गए इसका ही भारत है और किसी उसका ही रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भोले श्रमजीवी पीस रहे हैं। उसका शोषण हो रहा है जो मेहनत करते हुए, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो बेईमानी से काम कर रहे हैं उसकी वाह वाह हो रही है, और जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसका ही शोषण होता है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। यानी कि उसको मूर्खता की व्याख्या समझी जा रही है। ईमानदार मूर्ख है और बेईमान होशियार है, वो बुद्धिशाली है। सच्चाई केवल भीरू यानी कायर और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। उसमें ही है सच्चाई, जो कायर लोग है उसमें। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। जो ऊपर दिखाई देता है वह सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है सामाजिक विधि निषेधों यानी कि कोई काम करने या न करने का निर्देश उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर ये नियम लागू करते हैं, किसी पर नहीं करते हैं। ठीक है, सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। सामाजिक
कायदे कानून कभी 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 युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। आदर्शों से टकराते हैं इसका अर्थ है कि कसौटी पर रख उतरे हुए, उससे ऊपरी सतह आलोडित भी होती है। आलोडित यानी मथना, उससे ऊपरी सतह मथने जैसी हो जाती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ